नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए बिहार की तरफ से है, और लगातार अगर देखा जाए तो वैकेंसीज पे वैकेंसीज बिहार दे रही है। अभी कुल मिला के 37,743 पद जो हैं वो आगामी प्रस्तावित हैं, जिनकी परीक्षाएं होनी हैं, और परीक्षाएं तो और भी होनी है, क्योंकि अगर हम बिहार कांस्टेबल की बात करें तो जो परीक्षा रद्द हुई है उसकी परीक्षा एक बार दोबारा से होनी है। तो ऐसे करके देखा जाए तो लगभग 50,000 पद ऐसे हैं जिनकी आप तैयारी इस समय कर रहे हो और इनका पेपर आने वाले महीनों में दे रहे हो, जिसमें से BSSC 12th इंटर लेवल का पेपर है आपका, बिहार के कांस्टेबल है, आगामी जो कांस्टेबल है 24,000 पद लगभग आने वाले हैं करीबन 2024 में, और अभी जो इसके एग्जाम चल रहा था जो 1 तारीख को पेपर हुआ था वो भी पेपर रद्द कर दिया गया है। तो नए सिरे से आप इसमें आपको तैयारी करनी ही करनी है, फिर से आपको इसमें पेपर देना है। तो बिहार कांस्टेबल के काफी ज्यादा पद हैं, उसके बाद बिहार SI के 1275 पद यहाँ पे क्या हो गए हैं, आ गए हैं, जिनका आवेदन 5 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। अब इतने ज्यादा पद हैं और आपकी तैयारी, मैं देखता हूं कि लगातार बच्चे फोन कॉल करके मैसेज करके सर इसका बैच लाइए, इसका बैच लाइए, और मैं आप लोग से हमेशा बोलता रहता था भैया सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो आते हैं हम लोग इस सेशन में, ये देखते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इसके लिए क्या बेस्ट रणनीति हो सकती है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, नोट्स कैसे करना है, क्या क्लास से ही काम हो जाएगा या क्लास के साथ नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा या केवल नोट्स पढ़ के काम हो जाएगा, टेस्ट सीरीज किस प्रकार से हमें करना है, टेस्ट कितने लगाने हैं, कहीं पे क्वालिफाइंग है, कहीं पे मेरिट किसके आधार पे बन रही है, तमाम चीजों को इस सेशन में हम लोग देखते हैं। अगर आप बिहार भर्ती से, बिहार राज्य से किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BSSC 12th की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, SI की बात करें, या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम एक एक चीज की, इसमें कोचिंग बुक्स PDF टेस्ट सीरीज सब कुछ क्या होना चाहिए, ये तो हमारा जो कोर्स है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। हालांकि मेरा फोकस ये नहीं है, मेरा फोकस आपको बाकी सारी चीजें बताना है। ये तमाम किताबें जो आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं वो है, बाकी अब ऐसे समझो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BSSC 12th लेवल की बात करते हैं। इसमें देखा जाए तो पहले जो पद थे उससे भी पदों की संख्या बढ़ के अब कितनी हो गई है, पदों की संख्या बढ़ के 12,199 हो गई है, और 12,199 BSSC की तरफ से बहुत ज्यादा पद होते हैं, जिसमें से आपको पता है इसका पैटर्न क्या होता है, 50 50 50 50 आपका क्या होता है, 50 GS होता है, 50 आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, 50 आपका GS होता है, इसी में 50 आपका रीजनिंग होता है, और जो GS है 50 आपका जो बोल सकते हो कि मैथ और साइंस होता है, मैथ और साइंस में भी ये 50 मैथ प्लस साइंस होता है, लेकिन मैथ और साइंस में भी क्या होता है, इसमें ज्योग्राफी भी दिया होता है, क्या होता है, ज्योग्राफी भी दिया होता है। तो ये 50 50 50 के सेगमेंट होते हैं, 10 मैथ होती है, 10 ज्योग्राफी होती है, और 30 आपकी साइंस होती है। तो अल्टीमेटली ये किसका पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है। और एक चीज आप लोग समझना, जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पैटर्नों को पहचानना है। अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं, तमाम परीक्षाएं, वो चाहे सक्षम भर्ती हो, वो चाहे BPSC हो, या फिर हम किसकी बात करें, BSSC की बात करें, या फिर कांस्टेबल वगैरह की बात करें, SI की बात करें, सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है बिहार का वो है साइंस। आप किसी को भी देखोगे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार राज्य के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे बिहार राज्य से बिलोंग कर रहे हो या फिर आप बिहार के किसी बाहरी राज्य से, बिहार के सटे राज्य से बिहार परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो सबसे ज्यादा मजबूत करना है वो है साइंस। अगर आप साइंस मजबूत कर लेते हो तो यकीन मानो कि जो अलग अलग एग्जाम में ये क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया लगाते हैं, किसी में 40% किसी में 35%, वो क्वालिफाई आप केवल साइंस के लेवल पे कर सकते हो, और बाकी जो मेरिट है वो तो अन्य विषय है ही है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो आपको साइंस तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, क्योंकि BSSC में देखोगे तो इसमें भी 30 क्वेश्चन साइंस पूछता है। अगर हम बिहार SI की बात करेंगे तो उसमें भी 20 क्वेश्चन क्या है, साइंस पूछा है। हम किसकी बात करें, अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो उसमें भी साइंस का वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो साइंस पूछता है। और साइंस के बाद अगर GS में कोई दूसरा विषय होता है तो वो होता है हिस्ट्री, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि साइंस और हिस्ट्री सबसे आपको मजबूत करना है। हम इसी को यहां पर समझेंगे इस सेशन में, किससे कौन सा प्रश्न होता है, कहां से आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोग इसको देख लियोगे, BSSC में क्या मांगा है, इसके फॉर्म भी आप लोग भरे होंगे, है ना, उम्र सीमा वगैरह। बिहार में सबसे अच्छी बात है कि इसमें उम्र सीमा का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा देता है, एक रेंज बहुत ज्यादा देता है, 18 से लगभग 40 साल का देता है, कहीं पे 20 से 40 साल का देता है।
तो ये आपको यहाँ पे इस चीज को हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है, पैटर्न है, बीएसएससी का आप देखोगे तो सामान्य अध्ययन है, उसके बाद फिर यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पे समसामयिक विषय है, दूसरा है सामान्य विज्ञान एवं गणित, और तीसरा है आपका मानसिक क्षमता जांच। तो 50 रीजनिंग, 50 आपका विज्ञान और गणित वाला, जिसमें भूगोल भी पूछता है, आप यहाँ पे देखोगे भूगोल लिखा है, और उसके बाद आपका क्या है, 50 आपका जीएस है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स और भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पे जो आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जीएस में, ये होता है जीके, ये बाकी जो पूछता है जीके। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि बिहार राज्य में तैयारी करने वाले बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि आप बिहार स्पेशल ज्यादा पढ़ो, जबकि बिहार राज्य बिहार स्पेशल के प्रश्नों को हाल फिलहाल में ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहा है, वो विज्ञान को, वो जनरल जीके को, जीके जिसे जनरल नॉलेज आप बोलते हो, जनरल अवेयरनेस बोलते हो, वहां से प्रश्न ज्यादा रख रहा है, और साथ में ही वो क्या कर रहा है, साइंस और हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न रख रहा है। तो इस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करते हुए चलना है। आगे अगर हम लोग देखें, तो ये बाकी सारी जो इसमें हाइट वगैरह है वो आप देख लीजिएगा। एक प्रीवियस एनालिसिस बीएसएससी की बात किया जाए तो जो जीएस वाला पार्ट है उससे देखें पूछा क्या है। बुक्स ऑथर, कैपिटल करेंसी, नेम ऑफ पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, श्लोक वगैरह, जो ट्राइब्स हैं, है ना, जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रमुख दिवस है, प्रमुख स्थान है, जो फेमस पर्सन है, खेल से, हेडक्वार्टर से, फेमस इवेंट से, त्यौहार से, और इंडिया में फर्स्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, इससे आपके प्रश्न पूछे हैं। और ये आपका जीएस नहीं होता, ये आपका क्या होता है, जीके होता है। तो अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, और आप पारंपरिक जीएस पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप अपनी तैयारी क्या कर रहे हो, दूसरी दिशा में लेके जा रहे हो। आपको क्या पढ़ना है, जीके ज्यादा पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप बिहार राज्य में इन तीनों में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस अपना मजबूत करना है, आपको अपना जीके मजबूत करना है, आपको अपना हिस्ट्री मजबूत करना है। इन तीन विषय को आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करो, और अगर इसके बाद पढ़ते हो तो आप रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स और रीजनिंग वाले विषय में। ये केवल चार विषय ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। अगर हम एसआई वगैरह में बात करें तो 100 क्वेश्चन में करीबन 66 क्वेश्चन केवल जीके के पूछा जाता है, उसमें भी 20 क्वेश्चन केवल साइंस का होता है। अब आप यहां से सोच लो कि जब साइंस और जीके का इतना ज्यादा वेटेज है तो आप अन्य विषय पे जो टाइम बर्बाद करते हो, हालांकि ऐसा नहीं है, आपको जरूरी सब है। ये प्रीवियस ईयर जो पेपर का एनालिसिस था बीएसएससी के लिए, किसके लिए है, ये बीएसएससी 12th लेवल का जो एनालिसिस है, मैं उसको बता रहा हूं। मैंने देखा बहुत सारी संस्थाएं ये बताती हैं कि जो आपका बीएसएससी का पैटर्न तक नहीं पता है, 50 रीजनिंग बता देते हैं, 50 जीएस बता देते हैं, और बोल देते हैं 25 मैथ्स और 25 साइंस पूछता है। ऐसा नहीं है भैया, केवल 10 मैथ्स पूछता है, और केवल क्या पूछता है, 10 भूगोल पूछता है, उसमें 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। ये आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 10 क्वेश्चन मैथ्स के थे, और ये 50 जो क्वेश्चन था जिसे वो लिखता है क्या, मैथ्स प्लस साइंस का सेक्शन लिखता है, तो मैथ्स प्लस साइंस में उसमें भूगोल भी होता है। और ये जो जीएस लिखता है, ये जीएस नहीं, ये जीके होता है, और साथ में ही आपका जो 50 क्वेश्चन होता है वो रीजनिंग होता है। तो उम्मीद है ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, बिहार परसेंटाइल अगर पिछले बार कट ऑफ देखें तो 96 गया था बीएसएससी का। हम लोग किसकी बात करते हैं, बिहार कांस्टेबल की। ये मैं उन भर्तियों की बात कर रहा हूं जो वर्ष 2024 में आने वाले हैं, और ये करीबन 24,269 पद इनकी घोषणा ऑलरेडी हो गई है। ये कांस्टेबल के पद होते हैं, कांस्टेबल में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका जो परीक्षा पैटर्न होता है, इसमें रिटर्न होता तो है, लेकिन रिटर्न के मार्क्स आपके क्या होते हैं, रिटर्न के मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाते हैं। जो रिटर्न होता है उसके मार्क्स आपके क्या होते हैं, लिखित परीक्षा के मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, आपका केवल जो फिजिकल होता है उसके आधार पर मेरिट बनती है। लेकिन फिर भी हमें रिटर्न देना होता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, और अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको मेधा सूची में बुलाया नहीं जाएगा। तो इसलिए आपका क्या होता है, लास्ट में फाइनल सिलेक्शन में आपको मार्क्स तो नहीं होता है, बट आपको मेधा सूची में क्या होगा, जो आप मेरिट बनेगी उसके लिए आपको नंबर लाना पड़ता है। और इस कारण से कांस्टेबल में जो 100 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये आपके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 24,269 पद आने वाले हैं। साथ में ही अभी जो बिहार कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 1 तारीख को पेपर हुआ था, 7 तारीख को होना था, 15 को होना था, सारे रद्द कर दिए गए हैं। अब इनके दोबारा से पेपर होंगे, तो वो दोनों तैयारी आपको एक साथ ही करनी है, अभी की भी और आने वाले बिहार कांस्टेबल दोनों की। आगे अगर देखा जाए तो इसमें बिहार का जो एज है 18 से 25 है, और इसमें एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो केवल 10+2 है। ये भी बीएसएससी 10+2 में और बिहार कांस्टेबल 10+2 में दोनों सेम है,
और दोनों में लगभग जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी सेम है। बस बीएसएससी में क्या होता है 150 क्वेश्चन होता है और यहाँ पे कितना होता है 100 क्वेश्चन होता है। तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। बाकी जो फिजिकल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे परीक्षा प्लस के, परीक्षा प्लस ऐप पे भी मिल जाएगा आपको। नियुक्ति प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी प्रथम चरण में, ठीक है, और इसका मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट में केवल जो होगा, मेरिट में किस प्रकार से होगा, मेरिट में आपका केवल फिजिकल जोड़ा जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और प्रश्न पत्र क्या होगा 2 घंटे के होंगे। इस बात को समझिएगा। एक क्या होता है पॉजिटिव होता है, 1/4 इसका क्या होता है निगेटिव होता है। हाँ, इसमें निगेटिव का जिक्र नहीं किया गया। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम इसमें वही है जो आप देखते आ रहे हो। यहां पर अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो इसमें हिंदी भी इंक्लूड किए हैं। यही हिंदी आपको क्या होता है बिहार के एसआई में भी पूछता है, लेकिन इस हिंदी का वेटेज यहां पे भी नहीं है, हिंदी का वेटेज एसआई में भी नहीं है, दोनों जगह आपका क्वालिफाइंग ही है क्योंकि मेरिट में इनका नंबर नहीं जोड़ना है। तो हिंदी आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका क्या हो जाए कल्याण हो जाए बस। उसके बाद आपको अंग्रेजी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पूछता है, फिर आपका गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया जिसमें इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र, और विज्ञान को इन्होंने अलग से भौतिकी रसायन शास्त्र प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान विज्ञान भी ज्यादा वेटेज देते हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान मतलब कि ये जीके हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है और लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। अगर इससे कम आते हैं इससे ज्यादा वाले ही आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आप क्वालिफाइंग होगी। तो अगर आप यहां से क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या हो जाएगा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग बिहार के एसआई की। और बिहार के अगर एसआई में बात करेंगे तो ये 5 अक्टूबर से आप देखोगे इसका क्या है फॉर्म चालू भी हो गया है और 20 से लेकर 40 साल तक इसका उम्र भी मांगता है। इसमें जो बोलते हो शैक्षणिक जो योग्यता है वो 1/8/2023 में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसमें भी लिखित परीक्षा होता है लेकिन ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है। प्रीलिम्स से 20 गुना बच्चे मेंस में जाते हैं और मेंस से फिर बच्चे फिजिकल में जाते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है लेकिन जो प्रश्न की संख्या होती है वो क्या होती है 100 ही होती है। 2 घंटे का पेपर ये भी होता है और इसमें भी क्या होता है उक्त सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से बात किया गया है। लेकिन अगर इसका पैटर्न अगर देखा जाए किस प्रकार से पूछा है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक 20 क्वेश्चन साइंस से पूछता आया है, 7 क्वेश्चन मैथ से, 7 क्वेश्चन रीजनिंग से और जो जीके है वहां से 66 क्वेश्चन पूछा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि एसआई में भी ज्यादा जीएस का पार्ट पूछता है और तीनों ही अगर देखा जाए चाहे कांस्टेबल की बात किया जाए, एसआई की बात किया जाए या बीएसएससी 12 लेवल की बात किया जाए, आपकी एक जैसी तैयारी है जिसमें आपको साइंस जीके उसके बाद आपको क्या पढ़ना है रीजनिंग पोर्शन थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ताकि आपका तीनों जगह कवर हो जाए। इसलिए मैं रीजनिंग बोल रहा हूं क्योंकि बीएसएससी में क्या होता है 50 क्वेश्चन सीधा रीजनिंग पूछता है। तो इस हिसाब से आपका पैटर्न होता है। बाकी आप जो फिजिकल है उनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें जो प्रीलिम्स में जैसा पेपर होता है वैसा ही पेपर मेंस में भी होता है बिहार एसआई में। बस अंतर इतना होता है कि जो बिहार एसआई के मेंस का पेपर होता है उसमें हिंदी भी 100 क्वेश्चन का होता है और जो हिंदी 100 क्वेश्चन का होता है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होता है और इसमें 30% कुल क्वालिफाइंग है। जो हिंदी में क्वालिफाई करेगा उसी को क्या किया जाएगा, उसी का दूसरा कॉपी चेक होता है और द्वितीय वाले जो प्रश्न पत्र है उसमें फिर से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जहां से क्षमता होगी मतलब कि मैथ्स और रीजनिंग हो गया। और इसमें भी क्या होगा 200 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें क्या किया जाता है दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नेगेटिव क्या होता है बहुत कम होता है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन आपका चांस है बिहार में, लगभग 37,000 पद कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पद होते हैं अगर तीनों का मिला लिया जाए और जो वर्तमान में चल रही है कांस्टेबल उसे भी मिला लिया जाए तो आपका 50,000 से पार हो जाती है टोटल वैकेंसी। तो आपको इनकी जब तैयारी एक ही करनी है तो आपको अब सबसे बड़ी बात है कि कहाँ से करें तैयारी, आपके पास किताबें क्या होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, आपके पास कोचिंग कौन सी होनी चाहिए, क्या सबके लिए अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता है या फिर एक ही तैयारी से हो जाएगा, या सारे सिलेबस मिल रहे हैं तो अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। इसीलिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आई है। और बिहार के लिए अगर आप देखोगे तो बिहार का एक कॉम्बो बैच लेके आई है जिसमें बीएसएससी, एसआई और कांस्टेबल ये तीनों ही एक साथ आपके कराए जाएंगे,
क्योंकि इसमें आपके क्या हैं, मैंने बोला कि सारे ही एक ही चीज आपका सारे एग्जाम में पूछा जाता है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं और इनका लेवल भी लगभग क्या होता है, सेम होता है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है, केवल आपका थोड़ा बहुत पैटर्न अलग है। तो पैटर्न अलग है, उसकी तैयारी आप टेस्ट सीरीज के बिहाफ पे कर सकते हो, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट की तैयारी करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही एग्जाम एक ही नेचर के हैं, आप एक ही कर सकते हो। इसीलिए बिहार का कॉम्बो बैच आपके लिए लेके आया गया, जिसमें बीएसएससी, एसआई और कांस्टेबल तीनों की बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो फीस रखी गई है वो मात्र 422 रखी गई है, 422 प्लस जीएसटी, मतलब सब मिला लोगे तो भी आपका तीन बैच आपको 499 में केवल मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना बेहतरीन अवसर आपके लिए नहीं हो सकता। दो बात है, या तो आप तैयारी कहीं से कर रहे हो या आप तैयारी खुद से कर रहे हो। अगर आप खुद से कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई सबको बैच लेने की आवश्यकता ही है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि नहीं हम भाई अगर कहीं संस्था से जुड़ते हैं, कहीं से अपनी जुड़ के तैयारी करते हैं तो हमारे चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप लगातार 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे रह रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहे हो, आपको कोर्स से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, आप केवल टेस्ट सीरीज फॉलो करो, नोट्स को पढ़ो। लेकिन ऐसा बच्चा जो अभी पहली बार चांस ले रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बात समझना कि आज के समय में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, और हर बच्चा 5-5, 6-6 साल पे जब क्या आ रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, 5-5, 6-6 साल पे भर्ती आ रहा है, तो वो पिछले 5 साल के बच्चा जो है तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उसका जो लेवल होगा वो फ्रेशर बच्चे से ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक संस्था क्या करती है, संस्था खुद से थोड़ी पढ़ाई करती है, लेकिन संस्था आपको एक सही मार्गदर्शन करती है, संस्था आपको सही रिसोर्सेज देती है, संस्था आपको ये बताती है कि आपको पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है, और वही संस्था अच्छी है जो आपको गाइडेंस अच्छा दे पाए, जो आपको रिसोर्सेज अच्छा दे पाए, जो आपको ये बता पाए कि भैया आप इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने मतलब नहीं, वो संस्था अच्छी नहीं है जो आपको 2000 पेज का एक क्या कर दे, कंटेंट दे दे और बोल दे कि इसी में सब आ गया। संस्था वो अच्छी है जो आपको 100 पेज का कंटेंट दे और बोले कि 80% 90% हमारे कंटेंट से आ गया। तो आप भी दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप भी समझदार हो कि कहाँ पे आपको क्या आपके लिए हितकर है, क्या आपके लिए हितकर नहीं है। हालांकि टीम परीक्षा प्लस आपको इस बैच में सारे वीडियो क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी के स्टडी मटेरियल में, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सारी किताबें, जैसे ये बीएसएससी का मैंने कवर लेके आया है, और बीएसएससी की कवर ऐसे ही आप देखोगे तो आपका एसआई का होगा किताबें, ऐसे ही आपके कांस्टेबल की किताबें होंगी। एक बार मैं डेमो आपको दिखा देता हूं कि ये किस प्रकार से आपको नोट्स होंगे, ताकि होता है ना कि आप लोग को एक बार विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं किस प्रकार के नोट्स होंगे। साइंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं साइंस को ही आपको दिखा दूं कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स होगा, ये हिंदी वाला मैंने लगाया है। आपका जैसे कोशिका से स्टार्ट किया तो पूरा एकदम डायग्राम के फॉर्म में एक एक चीज जितना भी इंपॉर्टेंट है प्रिंट टेबल है, मतलब कि अगर आप इसे प्रिंट कराओगे, स्पाइर कराओगे, तो आपकी किताब की तरह हो जाएगा, जहां पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में फ्लो चार्ट से समझाया जा सकता है, जहां पे आपको डायग्राम से समझाया जा सकता है, जहां पे आपको टेबल से समझाया जा सकता है, हर तरीके से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हो तो किताब में आपको बहुत ज्यादा गाथा पढ़ना पड़ता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको गाथा नहीं पढ़ना है, केवल पॉइंट पढ़ना है। आप में कोई भी ले लो, जैसे कार्य, किसके कार्य हैं, जो उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू हैं, इनके कार्य क्या हैं, और कार्य को पॉइंट वाइज दे दिया गया है, ताकि आपको कहानी न पढ़ना पड़े, आपको ये दिमाग में बहुत अच्छे से रट जाए। ऐसे ही आप कोई भी देखोगे, यहाँ पे कॉलन चाइमा क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, उसके बाद उनके जो यूजेज हैं वो किस प्रकार के होते, सब कुछ बहुत पॉइंटर फॉर्म में दिया गया है, स्ट्रक्चर फॉर्म में, कि आप एक बार अगर नोट्स पढ़ लोगे तो आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और सिमिलरली हमारे टीचर भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं अगर और भी आपको नोट्स यहां पे दिखाने का प्रयास करूं, ये तो केवल साइंस का डेमो था। आप साइंस की जगह आप हिस्ट्री देख लो, मैंने बोला हिस्ट्री से पूछते हैं, हिस्ट्री का डेमो देख लो, इसमें भी आपको बहुत अच्छा, जहां पे टेबल के फॉर्म में याद कर सकते हो, जहां पे पॉइंट के फॉर्म में याद कर सकते हो, जहां पे आपको इमेज की आवश्यकता होगी, जहां पे चित्र की आवश्यकता होगी, ग्राफ की आवश्यकता होगी, वो सब कुछ आपको नोट्स में दिया जाता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये क्या किया जाता है, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके क्या है, जैसे जैन संगीतियां, यहां से अक्सर प्रश्न पूछता है, तो एक टेबल बना दिया गया, जैसे आपके श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, यहां से पूछता है, तो डायरेक्ट टेबल बना के आपको दे दिया गया कि आपको अलग से कहानी ना पढ़नी पड़े। अगर आपको जैसे 16 महाजनपद हैं, दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो आपको पूरा इमेज बना के दे दिया गया कि भाई कोसल राज्य कहाँ पे है, यहाँ पे सूरसेन कहाँ पे है, सारे आपको क्या दे दिए गए हैं, और उसके बाद उनको पॉइंट वाइज कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे 16 महाजनपद का एक टेबल बना दिया गया कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पे है, इसकी राजधानी क्या है, और इससे इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न बनता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये नोट्स बनाया गया है। यही नहीं, अभी मैं आपको अभी मैथ्स वगैरह का दिखाऊं, बोलो कि जीएस तो कोई भी अच्छा बना देता है। एक एक अगर आप मैथ्स देखोगे ना, तो मैथ्स में भी
भी अभी नंबर सिस्टम से कोई भी हो पूछता ही पूछता है एकदम, जो पूरा एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उस पूरे चैप्टर को एक पेज में ही आपका क्लासिफाई करके बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। अगर आप इसे देखोगे तो ये बहुत जबरदस्त कि क्या होते हैं पूर्णांक, यहाँ पे इमेजरी नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, और इसमें बद्धवत ये क्या आपको अशांत दशमलव, शांत दशमलव, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक ही पेज में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी ग्राफ के फॉर्म में, परिभाषा के फॉर्म में और प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सारी चीज यहाँ पे मिलती रहती है। अगर आप बोलो कि कोई और भी, तो ये एक बार मैं आपको ज्योग्राफी का लास्ट भी दिखा दे रहा हूं डेमो, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारे ही कंटेंट अब आप समझना, मैप के माध्यम से, पॉइंटर के माध्यम से, जहां भी जो भी जरूरी हो सकता है यहां पे आप देख सकते हो, उस हिसाब से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ये पूरी बाउंड्री कहां पे क्या है, कितने कोस्टल एरिया लगते हैं, सब कुछ जहां पे टेबल के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में आपको दिखाया जाता है भौतिक विभाजन। तो एक एक कंटेंट अगर आप देखोगे तो वाकई में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, और इसीलिए मैं हमेशा जब आपके लिए ये सेशन करके आता हूं कि कैसे करें तैयारी, तो मैं एक एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यहां से जुड़ते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब आप खुद सोचो, ₹422 हकीकत में कुछ होते नहीं इन नोट्स को बनाने के लिए। ये अगर देखा जाए तो ये बैच एक तरह से निःशुल्क ही हम लोग दे रहे हैं, अगर तीनों को मिला लिया जाए, क्योंकि तीनों बैच में अगर केवल टैक्सेस दे दिया जाए या फिर जो हमें चार्जेस देना पड़ते हैं ₹150 से ₹200 हर बैच का देना ही पड़ेगा, मतलब कि ₹450 से ₹350 तो हमें देना ही देना है। तो हमारे टीचर तो आपसे कुछ ले ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी टीम परीक्षा प्लस हमेशा छात्र हित में जो सोचती है, बाकी बात की बात है। सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है कि जब एक ही पढ़ाई आपको पढ़नी है, एक ही तैयारी आपको करनी है, वही विज्ञान पढ़ना है भैया आपको। मैं कह रहा हूं कि 10th लेवल की साइंस पूछेगा तो केमिस्ट्री तो बदल नहीं जाएगी, फिजिक्स में अगर न्यूटन है तो बदल तो जाएंगे नहीं, अगर मैकेनिक्स है तो बदल तो जाएगी नहीं, अगर बोले कि न्यूटन के जो लॉज है वो बदल तो जाएंगे नहीं, वो चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे वो तो वही होगा, प्रिज्म तो वही होगा, लेंस तो वही होगा, मिरर तो वही होगा, उसमें कुछ बदल तो जाएगा नहीं। अगर मैं बात करूं इतिहास में, तो इतिहास तो बदल नहीं जाएगा, भूगोल तो बदल नहीं जाएगा, सब में कॉन्सेप्ट एक ही है। फिर 800-1000 रुपए अलग अलग बैच के बच्चों से 4-5 हजार क्यों लेना जब एक ही तैयारी उनकी हो रही है। आप भी बच्चों को ये समझाओ ना कि भैया आप एक तैयारी में 3 एग्जाम अच्छे से तैयार कर सकते हो। और ये टीम परीक्षा प्लस की खासियत है कि आपके हित में सारी चीजें सोचती है, आपके बिहाफ पे सारी चीज सोचती है, और अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो नो डाउट बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप परीक्षा प्लस से जुड़ोगे तभी सफल होगे, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं कि आप परीक्षा प्लस से नहीं भी जुड़ोगे, आप मेहनत करोगे, आप अगर ईमानदार रहोगे अपनी तैयारी के प्रति, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। कोई भी संस्था हो सकती है, एक्सवाइजेड कोई भी संस्था, मैं किसी संस्था की बुराई नहीं करता हूं, हां जो बात फैक्ट है वो बोल रहा हूं, बट अगर आप शिद्दत से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन वही सिलेक्शन आप परीक्षा प्लस के साथ जुड़ के कम पैसों में, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छी गुणवत्ता के साथ कर सकते हो, जो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो, और आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए टीम परीक्षा प्लस दिन रात प्रतिबद्ध रहती है। रही बात गाइडेंस की, तो जितने भी एक्सपर्ट हैं हमारे, जितनी भी फैकल्टी हैं, छोटे छोटे पॉइंट पर आपको गाइड करती है, कहां पे आपकी कमी है, कहां पे आपके स्कोर कम हो रहे हैं, कहां पे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सारे गाइडेंस आपको मिलते हैं एक छोटी, वो चाहे आपके फॉर्म भरने से लेके और आपके परीक्षा के फाइनल डीवी तक, टीम परीक्षा प्लस का हर एक इकाई आपसे क्या होता है, लगा रहता है, जुड़ा रहता है। बाकी आपके स्वैच्छिक है, आप चाहो तो जुड़ो, नहीं जुड़ो, अगर आप जुड़ते हो तो हाँ मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इतना मैं आपको एश्योर कराता हूं, आपका एक कॉमन क्वेश्चन होता है जनरली कि क्या सर इससे आप जो पढ़ाएंगे इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसे में हमेशा बोलता हूं नहीं, अगर आप ये बोलो कि मैं ही केवल सिलेक्शन करवा दूंगा तो नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ मैं इस बात की जरूर गारंटी लेता हूं कि मैं जितना पढ़ा दूंगा पेपर में उससे बाहर नहीं आएगा, मतलब कि जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, रिसोर्सेज दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके कंटेंट से, सारे क्वेश्चन आपकी क्लास से, इवन टेस्ट से आपको जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे वहां से मिलेंगे। अगर आप उतना पढ़ लेते हो, आपको याद रहता है, आप परीक्षा में कर लोगे, तो सिलेक्शन आपका गारंटीड है, अन्यथा भाई मैं कितना भी रिसोर्स आप दूंगा, आप यहां पे क्योंकि कम पैसे में जुड़ोगे उसके बाद बोलोगे कि पैसा हमारा कुछ गया नहीं, सीरियस हो गए नहीं, तो फिर ऐसे में बोलोगे सिलेक्शन करवा दो, हम नहीं करवाएंगे। और सिलेक्शन कोई संस्था नहीं करवाती, सिलेक्शन बच्चा अपने दम पे लेता है, मेहनत करके लेता है, हाँ संस्था थोड़ा सा उसकी मदद कर देती है, सही मार्गदर्शन दे देती है, सही कंटेंट उपलब्ध करवा देती है, और सही सही टाइम पे सही गाइडेंस दे देती है, बस इतना फर्क होता है। बाकी जो आपको चलना है जिस पाथ पे वो आपको ही चलना है, सफलता आपको अपने दम पे लेना है, अपनी मेहनत पे लेना है, और हम उसका बस एक आप प्रतिभागी बनना चाहते हैं कि आपकी सफलता में हमारा भी एक अंश रहे। हालांकि टीम परीक्षा प्लस इस पूरे मन से चाहती है कि जो भी बच्चा यहां पे जुड़ता है, हर बच्चा यहां पे सेलेक्ट हो, उसके लिए कितनी भी मेहनत कर ली जाए,
और इस कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप या तो प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए। कहाँ पे जाएंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप परीक्षा प्लस, यहाँ पे आप ये लोगो देख सकते हैं ब्लैक पे, ये ब्लू कलर का परीक्षा प्लस का लोगो होगा, हिंदी में लिखा होगा। और आप वहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे तो बिहार का कॉम्बो का बैच आएगा जो 499 आपको प्राइस दिख रही होगी। ये 422 प्लस GST है, जिसमें लाइव वीडियो क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड है, स्टडी मटेरियल है, PDF के ईबुक के फॉर्म में, प्रिंटेबल है। यही नहीं, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसकी भी PDF आपको वहाँ पे दी जाएगी, क्लास की PDF। इसमें आपको कुछ सेक्शनल टॉपिक टेस्ट दिए जाएंगे, डाउट सेशन है और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है, भले एग्जाम आपका 2 साल बाद हो तब भी आपका वैलिड रहेगा। यहाँ पे आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाके परचेज कर सकते हो, वरना आप हमारी वेबसाइट liveparikshaplus.org पे भी जाके कोर्सेज में जाके इसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो अभी अगर आपको परचेज करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। और इसके अतिरिक्त आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें उस प्रश्न का पूछ सकते हैं, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब पूरी तत्परता के साथ देंगे। साथ में ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोर्स में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।